हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जियोग्राफी से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज 41 क्वेश्चन है। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होते हैं, किस चीज़ की है ये किस्में, गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या फिर धान की। तो इसमें से IR20 और रत्ना ये दोनों धान की जो है उच्च उपज देने वाली किस्में हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। यहाँ पर लौटते हुए मानसून की बात हो रही है। ऑप्शन में है कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पर जो लौटता हुआ मानसून है, कर्नाटक और केरल होगा नहीं, पंजाब और हरियाणा भी नहीं, बिहार और असम भी नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लौटते हुए जो मानसून होते हैं उनके दौरान पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अक्सर चक्रवात उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। आर्द्र स्थान यानी कि ह्यूमिड एरिया, इसमें से जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान भी होगा। महाबलेश्वर, चेरापूंजी, ऊटक मंडलम यानी कि ऊटी जिसको बोलते हैं, मासिनराम, इन चारों में से कौन सा है। तो सबसे जो ज़्यादा आर्द्र स्थान है वो आपका मासिनराम है। डी ऑप्शन सही है, इसके पहले यह था चेरापूंजी और अभी मासिनराम यहाँ पे मेघालय के ये पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी के कारण यह भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। सूर्य तप, चालन, विकिरण, संवहन। तो जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है तो आपको भी पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है और उस ओजोन लेयर के अंदर कई तरीके का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर जल वाष्प और धूल की कड़ी, ये सब मिल करके ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट डालती हैं। और जब भी सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो फिर वो इन किरणों की वजह से बाहर नहीं निकल पाती है, इसको बोलते हैं विकिरण। सी ऑप्शन सही है कि विकिरण के द्वारा वायुमंडल में प्रायः पृथ्वी जो है वो गर्मी पाती है और इसका निचला लेयर जो होता है वो गर्म होता है। अगर जो बात करें सबसे गर्म परत की तो वो थर्मोस्फीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। कॉफ़ी से रिलेटेड पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है कौन सा राज्य, तो ये है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो आपको बताते चले, अभी हाल में जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सबसे अधिक जो कॉफ़ी है वो कर्नाटक में होता है। यहाँ पर है 53 से 70 के लगभग है। केरल में बात करें तो ये है 28% है और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे 11%। इस तरीके से और भी कई राज्यों में होते हैं थोड़ी बहुत खेती, लेकिन ये तीनों मेजर प्रोडक्शन वाले राज्य हैं। कर्नाटक नंबर वन पर है इसमें। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड की बात हो रही है। वेटलैंड से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप कहेंगे तो लास्ट में वीडियो में उसको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी वीडियो के एंड में। आप यहाँ पर देखिए वेटलैंड से रिलेटेड कौन सा है सबसे बड़ा, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये राज्यों की बात बता रहा है। तो आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी कि वेटलैंड, पश्चिम बंगाल यहाँ सही होगा। पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन डेल्टा है वो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब से की गई है। ये क्वेश्चन आपके PCS से लेकर के PCS तक के एग्ज़ाम में आता है, छोटे एग्ज़ाम से लेकर के। तो नाबार्ड की जो स्थापना पूछा गया है ये कब की गई थी, July 1980 में, July 1981, July 1982 या July 1983 में। तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। यहाँ 82 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पूछता है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है, मुंबई में है इसका मुख्यालय। और यह इसका उद्देश्य क्या है नाबार्ड की स्थापना का, तो यह किसानों के कल्याण हेतु जो ऋण उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनके बैंकों को लाइसेंस देने के लिए सिफारिश का कार्य करता है। इससे भी रिलेटेड इससे और भी ज़्यादा काम है, फिलहाल अभी तो इसके काम बहुत बढ़ गए हैं।
अभी पूछता है कि भारत सरकार अभी हाल ही में इसकी हिस्सेदारी ली है, तो अभी भारत सरकार का कितना हिस्सा है और नाबार्ड का अपना कितना हिस्सा है, तो ये आपका करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत सरकार इसमें 99% की हिस्सेदारी रखता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती यानी कि पॉपी सीड कल्टिवेशन किस जिले में होता है? देवास, रतलाम, मंदसौर और झाबुआ। तो अफीम की सर्वाधिक खेती जो होती है वो किस जिले में होती है? तो ये है आपका सी ऑप्शन, मंदसौर जिला। ये कहते हैं कि महारानी मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, इनका जन्म स्थान है, इसी के लिए नाम भी पड़ा मंदसौर। लेकिन अभी मंदसौर जिला जो है वो अफीम की खेती में सबसे अधिक है। यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। और आपको बताते चले अफीम से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर जो कितने परसेंट तक मॉर्फिन पाई जाती है, तो अफीम में लगभग 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसे मतलब नशा होता है, और इसी को प्रसंस्कृत करके हीरोइन नाम का एक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। हीरोइन आप लोगों को पता होगा नशीला पदार्थ है, वो इसी को प्रसंस्कृत करके प्राप्त किया जाता है अफीम को ही। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान यानी कि ICER कहाँ पर स्थित है? भोपाल, कानपुर, दिल्ली या फिर जबलपुर। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्र यानी कि सबसे बड़े देश की बात कर रहा है, तो USA है, भारत, चीन या फिर इंडोनेशिया, कौन सा यहाँ पर होगा? तो आपको बताते चले गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वो अभी हाल फिलहाल में चीन बना हुआ है। दूसरे नंबर पर आपका आता है भारत का नंबर, इसके बाद आता है रूसी संघ का, फिर USA का नंबर आता है चौथे पर, और पांचवे पर आता है कनाडा का नंबर। गेहूं किस तरीके की फसल है, मतलब कौन सी फसल है? तो ये एक रबी की फसल है। किस नदी से राजस्थान नहर यानी कि जिसको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं को निकाला गया है? रावी, चंबल, सतलज या फिर व्यास। तो राजस्थान नहर इस तरीके से पूछ सकता है कि पानी कहाँ से ग्रहण करता है, या राजस्थान नदी को पानी कहाँ से मिलता है, या इंदिरा गांधी नहर को। तो आपको सतलज और व्यास दोनों से मिलता है। दोनों से कैसे? कि राजस्थान नहर जो है सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं हरीके बैराज। हरीके बैराज आप लोग सुने होंगे बांध, इससे भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया है। भारत के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 बांधों से रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है, आपको मैंने आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, आप उससे जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हरीके बांध से निकलते हैं, और हरीके बांध दो नहरों के बीच से बसा है, दो नदियों के बीच यानी कि सतलज और ब्यास, इन दोनों नदियों का जो संगम है वहाँ पर ये बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है आपकी राजस्थान नहर की, और यह राजस्थान नहर पंजाब और राजस्थान के जो सूखे जिले हैं वहाँ पे यह नदी पानी प्रोवाइड करवाती है। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? कावेरी जल विवाद बहुत ही पुराना विवाद है, और ये तमिलनाडु और कर्नाटक से है, कर्नाटक और केरल से है, केरल और तमिलनाडु से है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। आपको बताते चले कि जो ये कावेरी जल विवाद है ये तीन राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ कर्नाटक और केरल दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, जिसको लेकर के तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है। इसमें आपको बताते चले कि यह दक्षिण भारत की कावेरी जो नदी है यह सबसे पवित्र नदी है, इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, और दक्षिण भारत की यह चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम अगर जो पूछा कावेरी नदी का, तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ पर हम लोगों का आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। और इसमें तीन राज्य जो आपको बता रहे हैं वो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों के मध्य है, और इसके बाद एक आता है पुदुचेरी, पांडिचेरी जिसका प्राचीन नाम है, उसके बीच ये सारा जल विवाद है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, तो आप लोगों गेस कर ही लिए होंगे, ये गुजरात से रिलेटेड है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। सरदार सरोवर जो है वो गुजरात के नौगाम एक है जगह, वहाँ पे केवड़िया में है नर्मदा नदी पर, और इसके बारे में बताते चले तो ये नर्मदा नदी पर कंक्रीट की मात्रा में, कंक्रीट जितना इस्तेमाल हुआ है उस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है,
और ऊंचाई में बात करें तो यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री? तो गंगोत्री से तो इसका उद्गम ही होता है, गंगा नदी का। यहाँ पर बी ऑप्शन देवप्रयाग सही है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? नदियों के प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर गंडक। तो जो सदा नीरा है ये है आपका गंडक, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। गंडक का जो पुराना नाम है उसको हम लोग सदा नीरा भी कहते हैं। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है, तो ये गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन और गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यमुना तो उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है, गोमती भी, सोन भी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन सही होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके संयुक्त जो धारा है वो मेघना बनाती है और आपका बांग्लादेश में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वृद्ध गंगा? तो ये बोलते हैं गोदावरी को, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। 58 नंबर पे है, राजस्थान देश में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? लाल चना, कपास, मक्का या फिर बाजरा? तो इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। बाजरे का लगभग 41% उत्पादन जो है, 41% उत्पादन ये आपका राजस्थान राज्य से होता है। जो बाजरा है वो सबसे अधिक पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है और फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी मोटे अनाजों को ज़्यादा ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। माड़ा मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी उत्तरी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई भी नहीं। ये उत्तर प्रदेश को भाग में बांटा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी या इसमें। तो माड़ मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है आपके यूपी के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, मतलब दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसमें ये है आपका, इस मिट्टी के बारे में बताते चले, माड़ मिट्टी के बारे में, तो इसमें लगभग 60% सिलिका पाई जाती है। इसके अलावा 15% इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और इसमें 25% की बात करें तो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, इतने इसमें होते हैं। इन्हीं के कारण इसमें जो खेती करना होता है ना वो बहुत कठिन होता है। इसका निर्माण करें माड़ मिट्टी का, तो ये पूर्व कैम्ब्रियन काल में बना था और अभी हम लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जानते हैं। ये यहाँ पर पाई जाती है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। तो चना, कपास, मटर, गेहूँ, इन चारों में से कौन सा है खरीफ की फसल? तो कपास जो है आपकी खरीफ की फसल में आती है। कपास के अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो प्रमुख रूप से हैं? तो ये हैं चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, रागी और सोयाबीन पूछता है, और मूंगफली कौन सी फसल है, इसके बाद कपास भी पूछता है, मूंगफली भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो मूंगफली, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन ये सारी खरीफ की फसलों में आते हैं। खरीफ की फसलों को मानसूनी फसल भी कहते हैं क्योंकि बारिश की शुरुआत में ही इसकी बुआई शुरू होती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग फिर 61 से स्टार्ट करेंगे, 61 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक जाएंगे, इसके बाद हिस्ट्री का सेशन शुरू करेंगे। अभी का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।